हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी गाड़ी है और उसके अंदर कुछ अलग तरह की स्मेल आ रही है या चूहे की स्मेल आ रही है तो उसको जो है आप गाड़ी में कहां पर ढूंढ सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल जो है मैं गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूं। तो गाड़ी अनलॉक कर दी है तो इसमें जो है बहुत दिनों से एक स्मेल आ रही है चूहे की, और वो कहाँ से आ रही है फिलहाल मुझे भी नहीं पता है। तो एक्चुअली में हो सकता है कि इधर कहीं हो या इसके अंदर हो। अगर गाड़ी के अंदर कहीं चूहा है तो आपको कैसे फाइंड आउट करना, मतलब कैसे पता लगाना है कि कहाँ हो सकता है? तो वैसे तो देखो गाड़ी इतनी बड़ी है, कहीं भी हो सकता है। इस बोनेट के नीचे है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, नीचे वहाँ पर भी हो सकता है, और गाड़ी के पीछे भी हो सकता है, ठीक है, तो डिग्गी में भी हो सकता है। अगर चूहा गाड़ी की डिग्गी में है तो जो है स्मेल पीछे की तरफ आएगी, लेकिन जो मुझे स्मेल आ रही है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है, एसी वेंट्स में से आ रही है। इसमें से अगर जैसे मैं एसी ऑन करूँगा तो देखो मैं चाबी लगाता हूँ, अब मैंने ऑन करा एसी, मतलब फ़ैन ऑन कर दिया। तो अगर एसी वेंट में से आ रही है तो प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, वो हो सकती है इसके नीचे जो लगा हुआ ये फ़ैन है ना, ठीक है, फ़ैन है इसके नीचे, मैं वो जो है आपको खोल के दिखाऊंगा। और हो सकता है, जहाँ तक मुझे सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो यहीं हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर वो जो है बीट करके छोड़ गया हो या जो अपनी यूरिन वगैरह करके छोड़ गया हो, तो उससे भी जो है एक स्मेल आ जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ इसके ड्रॉअर को तो इसमें भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चूहे ने जो है थोड़ी बीट कर रखी है और हो सकता है यूरिन भी कर रखा हो। तो इसको जो है निकाल लेते हैं, फिर साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं फ़ैन खोल के दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है या कोई चूहा फंसा हुआ तो नहीं है उसके अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो इस ड्रॉअर को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो देखो ये ऐसे खींच के ऐसे निकल जाता है बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर ये देखो ये निकल गया है डोर, और ये देख रहे हो फैन, देख रहे हो यहाँ पर ये फ़ैन है। तो इसको जो है मैं खोल के निकाल के दिखाऊंगा कि कहाँ पर जो है इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो फिलहाल जो है इसमें अभी एक फ़िल्टर लगा हुआ है एसी का, तो इसको जो है मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ये ऐसा निकलेगा। और अगर आपकी गाड़ी में ये लग रहा है, अगर ये गंदा है तो इससे जो है अच्छे से हवा नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो अगर ये एसी फिल्टर गंदा है तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे मार मार के तो धूल निकाल सकते हो, लेकिन ये एक बार जो है इसके अंदर डस्ट घुस गई तो ये निकलती नहीं अच्छे से। इसे ऐसे बुरसने लाओ करके देख लो एक बार, लेकिन फिर भी पानी से भी साफ़ कर सकते हो, लेकिन ये जो अभी ढंग से नहीं हो रहा है। अगर आप इसको चेंज कर लोगे 5000 किलोमीटर पूरा होने पर तो अच्छा है, लेकिन अगर धो के भी काम चला सकते हो, अगर आपके पास अच्छा प्रेशर वाशर वाला कुछ है या धो के, या ये भी कर सकते हो इसको धो लो फिर सुखा लो, तो जब भी आपका ये अच्छे से काम कर जाएगा। तो इस ब्लोअर को खोलने के लिए यहाँ पर तीन स्क्रू है, एक ये वाला स्क्रू है, ठीक है, ये वाला स्क्रू है, एक पीछे की तरफ है और एक यहाँ पर है। तो जो है आपको थोड़ा सा महसूस करके जो है इसको खोलना पड़ेगा, तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। एक तो जो है यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इस तरह से जो है एक स्क्रू खुल जाएगा आपका। तो ऐसी जो है एक दूसरा स्क्रू है यहाँ पर, ठीक है, एक ये खोल लिया हमने और एक ये वाला। पहले करिए आप पीछे का खोल लीजिए स्क्रू, फिर उसके बाद आगे वाला खोलिए, क्योंकि आगे वाला खोलेंगे तो फिर ये लटक जाता है थोड़ा। तो ये देखिए तीनों स्क्रू खुल चुके हैं, और इसको जो है ऐसे निकाल लीजिए। इसका फ़ैन देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पिन है ना, कुछ इस तरह से दबाएंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर दबाइए और दबाने के बाद ये इसकी पिन निकल जाएगी यहाँ पर। तो ये देख सकते हो ये जो इसका ब्लोअर है, और ये कुछ इस तरह से दिखता है, एसी वेंट में हवा फेंकता है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है डस्ट है और ये जो है यहाँ से कुछ गंदा हो रहा है, तो इसके अंदर जो है चूहा तो नहीं मिला मुझे मरा हुआ, लेकिन हाँ फिलहाल अभी गंदा है। तो जो है इसको धो के जो इसकी स्मेल जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगी। अगर आप इसका एक बार फ़ैन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे, तो गाड़ी में आप ये वाला जो मोड देखते हैं, ठीक है, एक ये वाला मोड होता है, एक ये वाला मोड होता है। ये वाला जो मोड होता है गाड़ी में, जो अगर आप एसी चलाते हैं तो वो गाड़ी के अंदर की हवा को सर्कुलेट करता है, और ये वाला जो मोड होता है बाहर की फ्रेश एयर के लिए होता है। तो इसको जो है एक बार चला दीजिए और इसमें से जो है गंदगी निकल जाएगी, जो भी नीचे अगर अटकी पड़ी होगी ऊपर। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर तो लगा हुआ होता है ब्लोअर, और यहाँ पर लगा होता है एसी फिल्टर, और ये होता है जो कि बाहर की हवा को, फ्रेश एयर को यहाँ पर अंदर आने देता है। इसी मोड से देख रहे हो ये वाला, इधर इधर करने से इधर देखो, ये इसका ये जो फ्लैप होता है ऐसे गिर जाता है, उड़ जाता है, और ये देख रहे हो वायर चल रही होगी यहाँ पर। तो ये क्या करता है देखो, तो ये वाला जो फ्लैप है इसने क्या किया है, अभी जो है खुल गया है, ठीक है, तो बोनट की तरफ से जो एयर है वो यहाँ से इसमें आएगी फिल्टर होके, फिर यहाँ से पूरे सेक्शन में कैबिनेट के ये जो वेंट होते हैं इसमें बटेगी। तो यहाँ पर देखो मैंने ये पूरा खोल दिया है, यहाँ पर देखो ये एसी फिल्टर निकाल दिया है और पूरा ब्लोअर निकाल दिया, लेकिन अभी भी जो है चूहा मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया, और
इधर उधर देखता हूँ कहीं इधर उधर तो नहीं फंसा हुआ, तो यहाँ पर भी अभी मुझे नहीं दिख रहा है। देखो तो ये कवर था कुछ इस तरह का, तो इसको जो है मैं लगा देता हूँ वापस, तो कुछ इस तरह से जो है लग जाता है कैबिनेट। और ये वही वाला कैबिनेट है जो कि डॉक्यूमेंट रखने के लिए थोड़ा सा ये मिलता है, तो ये जो है ऐसे आसानी से खिंच जाता है। ठीक है, देखो इस तरह से खींच के इस तरह से निकल जाता है, और ये जो दो स्क्रू आपको वो खोलने पड़ेंगे, फिर ये पूरा निकल जाएगा, फिर आप पूरा अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी पिन लगा देता हूँ यहाँ पर, और ये ध्यान रखिएगा कि जो इसकी फ़ैन मोड है यानी फ़ैन ऑन ना हो। और इसके बाद देखिए इसको इस तरह से पकड़िए और फ़ैन चला के देखिए, ये देखिए फर्स्ट मोड पे चल रहा, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो ये इतनी हाई स्पीड होती है, इस पर गलती से भी अपना हाथ मत लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका हाथ कट सकता है। तो इससे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो ये फ़ैन है ये ब्लोअर ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब पूरी स्पीड अच्छे से पकड़ रहा है नहीं पकड़ रहा है। लेकिन देखिए चार और पूरा चार तक अच्छे से घूम रहा है ये। इसको जो है मैं दोबारा से यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है, इस तरह से लग जाएगा। और लगने के बाद आप इसका जो स्क्रू कस दीजिए, ठीक है, पहले ही लगा दीजिए जिससे बार बार गिरे ना। तो यहाँ पर जो है एसी फिल्टर मैंने अभी नहीं लगाया, वो क्योंकि वो गंदा हो चुका था, तो जो है इसको मैंने धो के सुखाने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी हवाएं अच्छे से आ रही है, तो ठीक है, देखो इसकी हवा भी जो है पूरी प्रॉपर आ रही है, पहले जो है नहीं आ रही थी क्योंकि एसी फिल्टर जो था वो गंदा हो चुका था, तो जिससे वो जो है उसकी हवा ब्लॉकेज हो रही थी, ब्लोअर जो है उसको अच्छे से पूरा नहीं फेंक पा रहा था एसी वेंट तक। लेकिन अब जो है अच्छे से इसकी हवा आ रही है। अब जब एसी फिल्टर सूख जाएगा तो उसको मैं लगा दूंगा, क्योंकि देखो एसी फिल्टर लगाओगे ना तो थोड़ी हवा का जो है प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि उसको जो है अच्छे से फिल्टर करने में थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए होती है फ़ैन को, लेकिन इतनी फ़ैन की पावर नहीं होती है तो जो है अच्छे से नहीं आ पाती, मतलब। तो ये मानिए कि अगर फ़िल्टर लग रहा है तो हवा थोड़ी सी कम रहेगी, अगर एसी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ तो आपकी जो है एसी वेंट में से हवा अच्छे से आएगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो यहाँ पर एसी फ़िल्टर लगा हुआ नहीं आता है, इसको जो है आप बाद में लगवा सकते हैं, या तो शोरूम में लगवा सकते हैं या आप आफ्टर मार्केट मतलब बाहर से ख़रीद के भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एसी फ़िल्टर बाद में नहीं लगाना चाहते, जैसे मैंने अभी निकाल दिया, अगर आप नहीं चाहते हैं आप इसके एसी फ़िल्टर को लगाना, तो यहाँ पर इसके साथ पत्ती भी आती है, तो वो जो है पत्ती यहाँ पर लगा दीजिए प्लास्टिक की, जिससे जो है हवा यहाँ से भी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर जो है मेरा एसी फ़िल्टर सूख चुका है। अगर आपको नहीं पता है इसको किस तरह से लगाना है तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है अप करके ऊपर की तरफ एरो है, तो ये जो एरो है ऊपर की तरफ होना चाहिए, कुछ इस तरह से लगा दीजिए। तो ठीक है, इस तरह से जो है ये कुछ सिस्टम काम करता है। और ये ड्रॉर किस तरह से लगता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो दो पॉइंट हैं ये दिख रहे होंगे आपको, और यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरह से दिख रहे हैं आपको, तो ये देखो कुछ इस तरह से, ये देखो पिन दिख रही होंगी, और ये जो है पिन यहाँ पर जाके अटक जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लग जाएंगी, ठीक है, ये इस तरह से लगानी है। लेकिन ये लगानी कब है, जब ये वाले पॉइंट अंदर की तरफ हो। तो पहले जो है मैं इसको अंदर कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से अंदर हो गया, ठीक है, अंदर हो गया। अब आपको बस थोड़ा सा ये देखना है कि जो इसका पीछे का पॉइंट है, देखो अब ये, ठीक है, अब इसको जो है लगा के मैं दबा दूंगा, ये देखो ये दब गया, और फिर देखो अब ये गिरेगा नहीं, ये कुछ इस तरह से लग जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी गाड़ी में भी स्मेल आ रही है तो किस तरह से जो है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।